हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में, जो गेम के अंदर हमें OB26 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएंगे। कल आ रहा है हमारा OB26 अपडेट, तो कल के दिन पूरा गेम बंद रहेगा ऑलमोस्ट यार 9:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो यार बहुत सारी कूल चीज़ें आने वाली है कल हमारे गेम के अंदर। एंड यार इतना ही नहीं, साथ साथ एक इवोल्यूशन MP40 का एक फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी रिसेंटली हमारे सामने आया है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट एलाइट पास का लोगो कैसा होगा, मतलब जिस पे क्लिक करके आप एलाइट पास में इंटर करते हो। तो गाइस देख सकते हो, ऐसा कुछ होने वाला है नेक्स्ट एलाइट पास का, मतलब लोगो या जो भी बोल लो इसको, मुझे नहीं पता, आइकॉन बोल सकते हैं अपन। और एलिस एंड द वंडरलैंड के ऊपर शायद से ये बेस्ड है, आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा। अभी एलाइट पास के अंदर एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें आने वाली वो हमें नहीं पता, वो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक पता चल जाएगी, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यार देखना मत भूलना बिल्कुल भी। बट बाकी आइकॉन वगैरह देख के तो बड़ा कूल लग रहा है कि यार बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाली है नेक्स्ट एलाइट पासेस में। एंड हाँ गाइस, नेक्स्ट एलाइट पासेस जो दोनों आने वाले हैं ना, वो लिटरली यार करंट एलाइट पास से थोड़े से बेटर होने वाले क्वालिटी वाइज में। तो यार बिल्कुल मिस मत करना मेरी एलाइट पास वाली वीडियो। तो गाइस, नेक्स्ट डायमंड रॉयल और गोल्ड रॉयल बहुत बार आपने देख ले होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिखा दिए होंगे, बट करंट सिचुएशन की बात करूँ तो गाइस कुछ न्यू और अमेजिंग अपडेट्स आई है, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सब दूर जितने भी बताया होगा उससे। तो सबसे पहले हम गोल्ड रॉयल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड रॉयल में मैंने आपको ये एम्परर वाला बंडल बताया था कि यार ये हमारे इंडियन सर्वर में गोल्ड रॉयल में आएगा, बट गाइस आज के दिन जो अपडेट आई है मैं उसके लेके बात करूँ तो गाइस ये एम्परर बंडल सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म हुआ है ब्राजीलियन सर्वर में। एंड गाइस अदर सर्वर में बोला जा रहा है कि ये वाला बंडल एज अ गोल्ड रॉयल देखने को मिल सकता है, और लैटिन सर्वर में तो 100% कन्फर्म हो चुका है कि यही गोल्ड रॉयल आएगा। और यार दूसरे सर्वर में क्या कन्फर्म हुआ है वो मुझे अब तक पता नहीं चल पा रहा है, इंडियन सर्वर का तो कोई ऐसा पता नहीं है। बट गाइस मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि इंडियन सर्वर में भी हमें यही वाला गोल्ड रॉयल देखने को मिलेगा। देखो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते इन दी एंड इंडियन सर्वर में क्या हो जाए। गाइस ये जो बंडल है ये यूनिसेक्स बंडल होने वाला है, मतलब आप मेल करेक्टर यूज़ करो या फीमेल करेक्टर यूज़ करो, दोनों के ऊपर आप ये बंडल इक्विप कर पाओगे। तो यार आपको दोनों में से कौन सा गोल्ड रॉयल पसंद है ज़्यादा, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब नेक्स्ट बात करें गाइस डायमंड रॉयल की, तो डायमंड रॉयल में क्या देखने को मिलेगा, यार डायमंड रॉयल में भी बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बट अभी राइट नाउ लैटिन सर्वर में क्या कन्फर्म हुआ वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये वाला बंडल जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि डायमंड रॉयल में आ सकता है, बट ये वाला बंडल लैटिन सर्वर में कंफर्म हो चुका है, फीमेल बंडल है जैसे कि आप देख सकते हो, और फीमेल के बाद मेल आता है वैसे एब्सोल्युटली आपको पता ही होगा। बाकी अगर ये बंडल भी आता तो कोई बुरा बंडल नहीं, पर्सनली मुझे अच्छा लगा है, और इसका मेल वर्जन भी बहुत ही अच्छा है गाइस, आप वो मेरी फ्यूचर वीडियोस में दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बट अभी राइट नाउ ये हमें पता चल रहा है कि डायमंड रॉयल आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी लैटिन सर्वर का ही कंफर्मेशन आया है, तो दूसरे सर्वर की गारंटी मैं नहीं ले सकता, ना ही मैं इंडियन सर्वर का कंफर्म बता सकता हूँ। ये सब चीज़ें ना एक दो दिन पहले ही कंफर्म होती है, जो हमारा डायमंड रॉयल वेपन रॉयल आता है उसके। तो यार जैसे ही कंफर्म होगा 100% मैं आपको अलग से बता दूंगा। सो गाइस कल से हमें वैलेंटाइन डे का भी इवेंट कुछ न्यू देखने को मिल सकता है गेम के अंदर, तो अगर आपने मेरी वो वैलेंटाइन डे वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी होगी तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम वीडियो है, और मैंने सारे रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट सारे रिवॉर्ड्स बताए उसके अंदर, जो कि हमें वैलेंटाइंस इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक अपडेट है गाइस जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वो है क्लैश स्क्वाड मोड का, कि क्लैश स्क्वाड मोड में यार MP40 ऐड हो जाए, बस MP40 या फिर MP5। एंड फाइनली गाइस नेक्स्ट अपडेट में हमें MP40 और MP5 दोनों देखने को मिल जाएगी क्लैश स्क्वाड मोड में। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि विक्टर या P90 दोनों हट जाएंगी, नहीं गाइस वो दोनों भी रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट से जो क्लैश स्क्वाड मोड रहेगा गाइस उसके अंदर बर्मुडा के अंदर अलग वेपन का कलेक्शन होगा, और कालाहारी के अंदर अलग ही वेपन का कलेक्शन होगा। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बर्मुडा का कलेक्शन बता रहा हूँ, एंड आई नो फोटो बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वालिटी का है, बट गाइस यार लीक्स में यही मिला है मुझे, तो प्लीज़ माइंड मत करो। बट बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि MP40 नीचे थोड़ी सी दिख रही है, उसके अलावा हमें MP5 विक्टर भी देखने को मिल रही है, और टॉमी गन भी है। AR गन की बात करें तो गाइस स्कार है, ऑग है, फार्मास है, पैराफल भी है, M4A1 भी है।
तो शायद से एके वगैरह नहीं रहेगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये था हमारा बर्मुडा का। अब चलते कालाहारी की तरफ। तो गाइस कालाहारी में भी देख सकते हो आप लोग, कालाहारी में विक्टर हट के P90 आ गई है, बाकी MP5 और MP40 तो एज इट इज है, और साथ साथ टॉमी भी है। बाकी गाइस AK XM8 वगैरह हमें इसमें देखने को मिल रही है, जो कि बर्मुडा मैप में नहीं है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ज़्यादा एकदम ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं करा है, बट यार फाइनली MP40 आ रही है, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस अब मैं आपको हमारा MP40 का फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ। तो यार उससे पहले आप लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यार वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हो, अगर इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा है उसको भी ऑल पर सेट कर देना। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लीक्स अपडेट्स या इवेंट की वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस MP40 से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा नेक्स्ट लॉबी कैसे होने वाली। तो गाइस देख सकते हो ये होने वाली हमारी नेक्स्ट लॉबी, और बहुत ज़्यादा कलरफुल हो रही है। वैसे तो एक कॉन्सर्ट का स्टेज बना रखा है, क्योंकि जो कोलैबोरेशन है हमारा एक डीजे आर्टिस्ट है, वियतनाम का डीजे आर्टिस्ट है आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट बाकी यार लॉबी बहुत ही ऑसम दिख रही है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। मतलब ये जो डल कलर्स थे ना वो फाइनली जा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आते थे वो डार्क कलर वाली लॉबी, इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं थी मुझे। अब चलते हैं हमारे MP40 का फर्स्ट लुक के ऊपर। तो गाइस हमारी लोडिंग स्क्रीन सामने आई है, और ये होने वाली हमारी लोडिंग स्क्रीन नेक्स्ट अपडेट के बाद से, और हाथ में देख सकते हो इसने जो पकड़ रखी है वो होने वाली हमारी MP40 एग्जैक्टली तो नहीं, बड़ा ऑलमोस्ट हमारी MP40 ऐसी ही कुछ होने वाली है। देख सकते हो कोबरा MP40 है, कोबरा बेस्ड है, जैसे कि हमारी AK-47 थी ड्रैगन पर बेस, हमारी स्कार थी शार्क पर बेस, और MP40 होने वाली कोबरा पर बेस्ड। और देख सकते हो आप लोग बहुत ही कूल लग रही है, आग निकल रही है मुँह से, ऑब्वियसली आग तो निकलेगी नहीं, गोली ही छोड़ेगी, बट बाकी यार ये ऐसा ही कुछ हमारा MP40 का लुक हो सकता है। देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रही है पर्सनली मुझे भी, और लिटरली मैं चाहता हूँ कि MP40 निकाल लूँ, बट यार लेट्स सी उस टाइम पे कुछ एड्रॉप वेड्रॉप आ जाए गलती से तो फिर शायद निकाल लूँ मैं। तो गाइस यही कुछ अपडेट्स थे एंड बंडल्स थे जो गेम के अंदर हमें कल के बाद ही देखने को मिल जाएंगे, होपफुली कि यार कुछ अच्छा आ जाए गोल्ड रॉयल और डायमंड रॉयल में। सो यार वीडियो कहीं रैप अप करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपका फेवरेट बंडल कौन सा है। सो गाइस बाय बाय।